मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर, तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। यकीनन पाकिस्तान में कोरोना का जोर जारी है, मगर अब भी अल्लाह के फजल व करम से कोरोना काबू से बाहर नहीं हुआ है। इसी दौरान जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का रोज़गार, उनका कारोबार, उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी सूरत से कुछ ना कुछ बेहतरी आए। ये मुसलसल लॉकडाउन, ये मुसलसल बंदी उनके लिए नामुमकिन है किसी सूरत से सर्वाइव करना। इसीलिए अब हुकूमती प्लान के तहत बड़े मोहतात अंदाज में, बहुत एहतियात के साथ पाकिस्तान के बड़े शहरों में दिन की रौनकें बड़े मोहतात अंदाज में हल्के हल्के बहाल होना शुरू हो गई हैं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में तो कुछ पहली जैसी चहल पहल है, क्योंकि वहाँ हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने कुछ रिलैक्सेशन ज़्यादा दी है। छोटे होटल और खाने पीने की दुकानें खुल गई हैं, वहाँ पर फूड डिलीवरी भी मुसलसल हो रही है, ये कराची में भी हो रही है। मगर पंजाब में और KP में इलेक्ट्रिशंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स और दीगर तामीराती सामान के बाद हेयर ड्रेसेस और दर्जियों की दुकानें भी खुल गई हैं। कराची में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तामीराती कामों पर हमने देखा है कि इन शहरों में, यानी पंजाब के शहरों में, मजदूरों की रवानगी भी शुरू हो गई है। इंडस्ट्रियल जोन्स में वर्कर्स पहुँचना शुरू हो गए हैं और सनअतें पैदावार कर रही हैं। आज कराची की सड़कों में पहली बार हमने कुछ मामूल के अंदाज का दिन के चंद घंटों में ट्रैफिक देखा है, और जो कि यकीनन पिछले चंद दिनों में इसमें हल्के हल्के इजाफा हुआ है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कराची के सनअती इलाकों में पैदावार भी हो रही है, उन सनअतों में जिनका ताल्लुक एक्सपोर्ट से है या एसेंशियल गुड्स से है। कराची के और बाज़ार, दुकानें अभी नहीं खुले हैं, पंजाब में, KP में किसी हद तक खुले हैं, और कराची में फ़िलहाल ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी वगैरह का काम जो है उसका हल्के हल्के आगाज़ हो गया है। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में हालात को बेहतर बनाया जाए, रमज़ान का महीना आ रहा है, फिर ईद की शॉपिंग का ज़माना आ रहा है, कारोबार के लिए एक जीने मरने का सामान है, क्योंकि अब अगर इस दौर में उनको किसी सूरत से काम करने का मौका नहीं मिला, ख़रीदारी पाकिस्तान के बाज़ारों में नहीं हुई, चाहे मोहतात अंदाज में हो, चाहे महदूद अंदाज में हो, चाहे पूरी एहतियात के साथ हो, मगर होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत इससे आगा है, और आज इस बात की बाकायदा खबर आई है कि सूबों ने और विफाक ने मिलकर एक मनसूबा बना लिया है कि मरहलावार दुकानें खोली जाए, कारोबार को अब खोलना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी हो गई है। और इसका बरमिला इजहार आज वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब असद उमर ने किया। अगले चंद दिनों के अंदर ये पूरा नया जो एक निज़ाम है उसको कुछ टेक्निकल टर्म में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन सिस्टम या TTQ कहा जाता है, कुछ लोग उसको स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं। ये समझ लीजिए आसान अल्फाज के अंदर ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसके अंदर जो बीमार है, जिसको बीमारी लगी है, वहाँ उस तक पहुँचा जाए, जिनसे उसकी मुलाकात होती रही है उनको टेस्ट किया जाए, और अगर ज़रूरत हो तो फिर उनकी आइसोलेशन भी की जा सके। ये उसका निचोड़ है प्रोग्राम का। ये निज़ाम आने के बाद जो जो अपने रोज़गार पे जाना चाहता है, रोज़ी कमाना चाहता है, उसके लिए मौके फराहम किए जाएं, और बंदिशें पहले हमने ज़रा सी कम की थी, आगे बढ़ते हुए उन बंदिशों को और हम मज़ीद कम करना चाहते हैं। खुशी है कि इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो गया, तमाम वज़रा आला ने भी उसकी अप्रूवल दे दी है, मंजूरी दे दी है। इस बैकग्राउंड में शहरों में कुछ चहल पहल शुरू हुई है, कहीं कहीं मामूल पे हालात नज़र आते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान की सैर कराते हैं, आज के शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। पहले लाहौर जाएंगे, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे खसूसी हसन रज़ा। पंजाब में 14 अप्रैल को लॉकडाउन में नरमी बरतते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और कुछ सनअती यूनिट और कुछ जो है मार्केटें खोलने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे।
लेकिन लॉकडाउन में नरमी ऐसे बढ़ती गई कि कुछ मार्केटें तो खुल गईं और कुछ खुलने के बाद दोबारा फौरी तौर पर बंद करवा दी गई। लॉकडाउन में नरमी बरतने के बाद लाहौर की तमाम सड़कें दोबारा आबाद हो गई, आवाम घरों से निकल पड़े और मुतद्दी जगहों पर जो है वो रश देखने को मिल रहा है। अब हम पहुंचे हैं अकबरी मंडी, इसके साथ में जितनी भी मार्केटें लगती हैं तकरीबन सब ही जो है वो मार्केट खुली दिखाई दे रही है। अगर आप इस हाथ पे देखें तो अच्छी खासी गाड़ियों की के जो है वो कतारें, जो मामूल के मुताबिक जिसका रश होता था, यहाँ पे पांव रखने की जगह नहीं होती, यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। बम्पर टू बम्पर जो है वो गाड़ी जो है पैक है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रश दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता बनता है, मुकम्मल तौर पर रश दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये गाड़ियों का रश है। अब हम पहुंचे हैं लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है अनारकली बाजार। ये अनारकली बाजार है, जब लॉकडाउन जो है वो किया गया तो ये मुकम्मल तौर पे सुनसान थी, अब जो है मुतअद्दी जगहों पे ठेले, खाने पीने की दुकानें, कुछ दुकानें भी खुल चुकी हैं, कुछ जो है वो मेडिसिन की दुकान है और कुछ दीगर दुकानें हैं, जो कपड़े की दुकान है, कहीं ना कहीं जो है वो शीशे की दुकान, छोटी छोटी मार्केटें, छोटे छोटे ठेले जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं और ये मार्केट अब आबाद शुरू हो चुकी है। अब हम पहुंचे हैं उर्दू बाज़ार, ये मारूफ तरीन बाज़ार कहलाता है। बहुत सारा यहाँ पे जो है रश देखने को मिल रहा है। पहले जो है मुतअद्दी दुकानें जो हैं वो बंद तो कर रखी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कुछ दुकानें जो हैं वो खोल रखी हैं, लोग आ रहे हैं, शटर नीचे कर रखे हैं, जो है किताबें और बात चीज़ें जो हैं वो बाहर रखी हुई हैं, आते हैं लोग, आते हैं जिनको जो चीज़ चाहिए होता है वो लेकर चले जाते हैं। अब हम पहुंचे हैं लोहारी मेडिसिन मार्केट में, यहाँ पर जो है मामूल के मुताबिक दुकानें सारी खुली दिखाई दे रही हैं, जो है मुतअद्दी दुकानें खुली हैं, लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं दिल्ली गेट, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर तकरीबन 10,000 से ज़ायद दुकानें हैं इस पूरे रोड पर। आगे आज़म जो है मार्केट आ जाती है, कपड़े की मार्केट आ जाती है, वो भी जो है अगर अंदर चले जाएं तो वो भी खुली दिखाई दे देती हैं। 25 से 30 रुपए का एक चाय का कप लेने के लिए इस हद तक रश है कि यहाँ पर कोई भी जो है वो किसी भी वायरस जो है वो किसी से दूसरे से मुंतकिल हो सकता है, बहुत ज़्यादा। इसे रेड जोन करार दिया गया था लेकिन उसके बाद पुलिस यहाँ से मुकम्मल तौर पे गायब होगी। लाहौर का खूब मज़ा है, मामूल से ज़्यादा रश है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि उस अंदाज की एहतियात नज़र नहीं आ रही जैसे कि होनी चाहिए। कराची की सूरत हाल पर निगाह डालते हैं, हमारे नुमाइंदे शहरियार जंजू आपको दिखाते हैं। सिंध हुकूमत ने 14 अप्रैल को सूबे में लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में मज़ीद कुछ कारोबार को काम करने की इजाज़त दी गई थी, जिनमें कोरियर कंपनीज़ शामिल थी, जिनमें रेस्टोरेंट्स जो कि घरों पर फूड आइटम सप्लाई कर सकें वो कारोबार शुरू कर सकते थे, बेकरियों को खोलने की इजाज़त दी गई। लेकिन उस दिन के बाद से ही सूबे में मजमू तौर पर यह देखने में आया कि कुछ ऐसे कारोबार भी शुरू हो गए जिसको कि उस नोटिफिकेशन में इजाज़त नहीं दी गई थी। के साथ ही शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा उस दिन से बढ़ गई है। मजमूई तौर पर शहर में 14 अप्रैल के बाद से कुछ ऐसा तासुर उभर कर आया जैसे लॉकडाउन में काफी हद तक कमी कर दी गई है। मेरे पीछे ये कराची की मेडिसिन मार्केट है होलसेल की, एमएजेना रोड पर ये मार्केट कायम है। कराची में जब से लॉकडाउन लगा है इस मार्केट को पहले दिन से ही खोले रखने की, कारोबार करने की इजाज़त दी गई थी क्योंकि ये एसेंशियल आइटम्स में आती है। लेकिन आप यहाँ पर सूरत हाल देख सकते हैं, भरपूर गहमा गहमी है। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद लॉकडाउन के इस मार्केट में अभी तक जो कवायद व जवाबित हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नाफिज होती नज़र नहीं आ रही। ये ओल्ड सिटी एरिया का अहम तिजारती मरकज खोड़ी गार्डन है। यहाँ पर दुकानें सारी बंद हैं इस पूरे इलाके में, लेकिन जितने भी पथारे हैं, रेड़ी वाले हैं, वो यहाँ पर सारे जो हैं वो अपना कारोबार यहाँ पर खोले बैठे हैं और इसमें हर किस्म के यहाँ पर रेड़ी वाले मौजूद हैं। भरपूर गहमा गहमी इस पूरे इलाके में, रश है आवाम का और ख़रीदारी भरपूर तरीके से लोगों की जारी है।
जोड़िया बाजार में मैं अभी मौजूद हूँ। अजनास की एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है, ना सिर्फ कराची की बल्कि पूरे पाकिस्तान की। यहाँ पर भी कारोबार को लॉकडाउन में पहले दिन से ही असस्ना हासिल था और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि भरपूर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं। और यहाँ पर भी आकर बिल्कुल ऐसा कोई तासुर नहीं मिल रहा कि मुल्क में या आलमी सतह पर कोरोना वायरस है। सिंध हुकूमत ने स्टेशनरी की शॉप्स को तो कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी, लेकिन जो स्टेशनरी आइटम्स की होलसेल मार्केट है यानी कि उर्दू बाज़ार, वो मजमूई तौर पर बंद है। बहुत ही कम तादाद पे यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, महदूद पैमाने पर यहाँ पर कारोबार जारी है। 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को यहाँ पर लोगों ने कारोबार शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन इंतज़ामिया ने और सिक्योरिटी एहलकार ने दुकानें और ये मार्केट बंद करवा दी थी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत ये मार्केट खुल चुकी है। यकीनन अजनास की और होल सेल की मार्केटों में ये रौनक है, मगर अदरवाइज़ आप कराची में देखेंगे तो उस अंदाज़ की रौनक आपको दूर दूर नज़र नहीं आएगी जो लाहौर में देखी। देखते हैं पेशावर में क्या हो रहा है और ये हमें पेशावर की तस्वीर दिखाएंगे आमिर जमील। पेशावर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, तहम हुकूमत की जानिब से इस लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उसका मफहूम अवाम ने अपने ही अंदाज में निकाला है। इसी हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं पेशावर के मेन सर्कुलर रोड लाहौरी के मकाम पर। यह सर्कुलर रोड जो है पूरे अंदरून शहर से होकर गुजरता है। तहम लाहौरी चौक की सूरत हाल ये है कि मामूल के दिनों में जो सूरत हाल होती थी वो आज भी हमें नज़र आ रही है। इस रोड में हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसी सूरत भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक लॉकडाउन का मंजर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदरपुरा चौक में, जहाँ की सूरत हाल देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ पर भी वायलेशन कितनी ज़्यादा की जा रही है। अगर हम देख सकें तो यहाँ पर ट्रैफिक की भी रवानी काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि हमें कोई ऐसी दुकानें भी यहाँ पर खुली नज़र आती हैं जिनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली। यानी यहाँ पर चश्मों की दुकानें भी मौजूद हैं, फ़ोटो स्टूडियोज़ भी मौजूद हैं, वो भी खुले हुए हैं। हालाँकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि इस किस्म की दुकानें जो हैं वो अभी खुली नहीं रहेंगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर में हश नगरी बाज़ार थाने के करीब। यानी इंतज़ामिया तो मौजूद है, लेकिन कोरोना वायरस से बचाव के लिए किसी किस्म की एहतियात पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। ना तो इंतज़ामिया यहां पर अमल दरामद करवा रही है और ना ही अवाम में इसका ख्याल है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर के चौक यादगार में, जहां पर आम दिनों में भी हमें ट्रैफिक जैम ही नज़र आता है और आज भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम उसी तरीके से है। यानी इस जगह को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि लॉकडाउन की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ट्रैफिक एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है, और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर ऐसी दुकानें भी मौजूद हैं जिन्हें अभी तक इजाज़त नहीं मिली, लेकिन शहरियों ने भी इसके लिए एक अच्छा तरीका ढूंढ चुके हैं कि बंद दुकान के बाहर जो है वो लोग खड़े हो जाते हैं, दुकान को ताला लगाया होता है, लेकिन जैसे ही कोई ग्राहक वहाँ पर पहुँचता है तो वह बाहर से ही उसको डीलिंग की जाती है और उसको दुकान के अंदर ले जाकर तमाम सौदा जो है उसको दे दिया जाता है। सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए। चलें ज़रा फैसलाबाद और रावलपिंडी का भी देखते हैं। शहरोज़ाबाद हमें फैसलाबाद और मंसूर सत्ती हमें रावलपिंडी का अहवाल देंगे। 14 अप्रैल के बाद जो लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया था उसके बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे फैसलाबाद में जो कारोबार है वो मामूल पर आ गया है। मैं इस वक्त चौक घंटाघर पर मौजूद हूँ और ये फैसलाबाद का इंतहाई मारूफ तजारती मरकज़ है और उसके 8 बाज़ारों में इस वक्त कारोबार जो है मामूल के मुताबिक हो रहा है। मेरे पीछे इस वक्त कचहरी बाज़ार है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोबाइल की बहुत बड़ी मार्केट है और इस वक्त जो मोबाइल मार्केट है यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। दुकानदार जो है वो बाहर बैठे हुए हैं और वो जो है वो खरीदो फरोख का सिलसिला जो है जारी रखे हुए हैं। इसी तरह ही मंटगमरी बाज़ार में जो है वो कारोबार जो है वो जारी है और झंग बाज़ार में जो सबसे बड़ी जो है वो बाज़ार जो है वो गिना जाता है फैसलाबाद का, यहाँ पर भी जो कारोबार है वो मामूल के मुताबिक हो रहा है। और इसी तरह ही जो है वो भवाना बाज़ार में जो इलेक्ट्रिशियन की दुकानें हैं वहाँ पर भी काम जो है वो जारी है। अगरचे शटर बंद हैं लेकिन दुकानदार क्योंकि बाहर बैठे होते हैं, कोई चीज़ चाहिए होती है तो फौरी तौर पर आपको जो है वो अवेलेबल हो। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद अब जो कारोबार है वो खुलना शुरू हो चुका है और इसकी कारोबार खुलने की वजह से जो लोग हैं वो खास करके जो SOPs तय की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, जो हिदायत की गई थी कि इस तरह आपने अमल दरामद करना है,
उस पे यहाँ पे गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है शहरियों की जानब से। ये सादकाबाद का इलाका है और इसका शुमार रावलपिंडी के बड़े बाजारों में होता है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे कारोबार होते हैं, कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनको इजाज़त तो गवर्नमेंट ने दी है वो भी चल रहे हैं और जिनको इजाज़त नहीं है वो भी कारोबार कर रहे हैं। ये राजा बाजार है और रावलपिंडी का सबसे बड़ा तजारती मरकज है, यहाँ पे हर किस्म का कारोबार होता है। गल्ला मंडी भी यहाँ पे मौजूद है और इस गल्ला मंडी में रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में भी इशाए खुर्दनोश की सप्लाई होती है। दूसरी जानब 80% यहाँ पे जो मुख्तलिफ कारोबार हैं वो बंद है, जिसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ जो टेलर्स की शॉप्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बन्नी का इलाका है और इस बन्नी के इलाके में जो कारोबार है, दुकानें तो उस तरह बंद हैं लेकिन कारोबार जो है वो सड़कों पर आ गए। यहाँ पे रेडी बान हैं, छापा फरोश हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे अब स्टॉल लगना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ जो इशाए खुर्दनोश की बात हो या कपड़ा हो, जूते हो, अब उनका स्टॉल लग के यहाँ पे अब बाकायदा तौर पर उसकी खरीदारी भी खरीदो फरोख की जा रही है। और यहाँ पे एक सूरत जिस तरह हमें मुख्तलिफ इलाकों में नजर आई कि जिस तरह खवातीन अपने घरों से अपनी फैमिलीज को लेकर निकल रही है, तो यहाँ पे भी हमने सूरत ऐसी देखी। लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज को, पूरी पूरी फैमिलीज को लेकर बाजारों का रुख कर रहे हैं। नरमी तो एक तरफ दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन इस पर जो शहरी हैं वो गैर संजीदा नजर आते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, आपने अंदाज़ा लगा लिया, चाहे अभी आपने पिंडी और फैसलाबाद देख लिया, उससे पहले पाकिस्तान के दूसरे शहर, उस अंदाज का ये लॉकडाउन नहीं हो सकता, ना ही पाकिस्तानी कर सकते हैं जैसा कि एक स्पेशल लॉकडाउन होता है या जैसा कि लॉकडाउन होना चाहिए। जैसा जितना हो सकता है उतना ही हो रहा है। कोरोना के असरात क्या हो रहे हैं, दुनिया अपने दरवाजे बंद कर रही है, खासतौर पर अमीर ममालिक, सबसे पहले अमेरिका ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि अमेरिका में इमिग्रेशन बंद, वर्क वीज़े बंद, अब कोई ग्रीन कार्ड भी इशू नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो अमेरिका ने लिया है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। कोरोना की बर्बादी का ही पस मंज़र है कि अब अमीर ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दरवाजे गैर मुल्कियों पर बंद कर दें। इसमें पहल अमेरिका ने कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि वो कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाइस हर तरह की इमिग्रेशन, ग्रीन कार्ड और वर्क वीज़े पर आर्जी पाबंदी लगा रहे हैं। सदर ट्रंप ने ट्वीट की कि नज़र न आने वाले दुश्मन के हमले के बाइस और अजीम अमरीकी शहरियों के रोज़गार को बचाने के लिए मैं अमरीका में इमिग्रेशन पर आर्जी पाबंदी आयद करने का हुक्मनामे पर दस्तखत करने वाला हूँ। अमरीका इस वक्त दुनिया में कोरोना से सबसे मुतासर मुल्क है। दुनिया भर के 33% मुतासरीन, 25% अमवात अमरीका के हिस्से में आ चुकी हैं। अमरीका में कोरोना मरीजों की तादाद 8 लाख के करीब पहुँच चुकी है। 42,500 अमरीकी कोरोना की वजह से अपनी जानें खो चुके हैं। ख्याल है कि कोरोना वायरस के बाइस परवाजें मनसूख करने और सरहदों की बंदिश की वजह से अमेरिका में गैर मुल्कियों की आमद पहले ही रुक चुकी थी, लेकिन अब सदर ट्रंप इंतजामी हुक्मनामे के जरिए दुनिया पर अमेरिका के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्होंने फैसले को कोरोना के खिलाफ जंग और नौकरियों के तहफ्फुज़ से जोड़ा है। इसी पस मंज़र में ये बात बहुत अहम है कि कोरोना के बाइस लॉकडाउन के दौरान कई अमरीकी कंपनीज ने, बल्कि हज़ारों अमरीकी कंपनीज ने अपने लाखों मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। अमरीका में 1 माह के दौरान 1.5 करोड़ अफराद अपना रोज़गार खो बैठे हैं। पिछले हफ्ते तक 2.2 करोड़ अफराद ने बेरोज़गारी अलाउंस के लिए दरख्वास्तें जमा कराई हैं। भयानक सूरत हाल है और अमरीका की ताज़ा तरीन कैफियत जानने के लिए वाशिंगटन DC जाएंगे मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी ब्रॉडकास्टर जनाब फैज़ रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ साहब। पहले तो ये बताइएगा कि वैसे भी इस वक्त ना कोई फ़्लाइट्स आ रही हैं, ना कोई इस वक्त कोई इमिग्रेशन की दरख्वास्तें आ रही हैं, सदर ट्रंप ने ये ऐलान करना क्यों ज़रूरी समझा कि हम वर्क वीज़ास बंद कर देंगे, ग्रीन कार्ड बंद कर देंगे, तमाम इमिग्रेशन को बंद कर देंगे, क्या इसके पीछे क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि ये ट्रंप के लिए इलेक्शन ईयर भी है, तो इनके जो बहुत से फैसले हैं उसका एक बैकग्राउंड सियासी है। और ये जो फैसला इन्होंने किया है और करने जा रहे हैं, अभी इसकी पूरी तफसीलात सामने उन्होंने नहीं लाई हैं, तो ये एक 100% सियासी फैसला है जिसका प्रैक्टिकलिटी से, अमलियत संधि से कोई ताल्लुक नहीं। और ये वो एक फैसला है जो इन्होंने अपने इलेक्शन, जो इनका मैनिफेस्टो था, जो प्रोग्राम था, जो इन्होंने वादे किए थे अपने वोटर्स से, तो उसी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और इसमें एक जो अहम बात ये है कि व्हाइट हाउस में इस वक्त जो लोग इनको बहुत ज़्यादा पॉलिसी पे एडवाइस कर रहे हैं वो लोग हैं जिनको इमिग्रेशन के बारे में हॉक्स कहा जाता है और कहा जाता है कि वो शदीद मुखालिफत रखते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। तो अब इसलिए हुआ ये है कि ये इन्होंने मौका गनीमत जानते हुए
क्योंकि इनको एक अच्छा कैंडिडेट इस वक्त डेमोक्रेट्स के पास आ चुका है, पूरे डेमोक्रेट्स एक कंसेंसस के साथ जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये इनके ये जो इमिग्रेशन के हवाले से अपने वोटर्स को बराह रास्त इन्होंने अपील कर रही है। ये बताइएगा कि कितना असर होगा इस वक्त, क्योंकि ये जो इस वक्त अमरीका में मुतासरीन की तादाद है 8 लाख अमरीकी कोरोना पॉजिटिव हैं, न जाने और कितने होंगे, 42,000 के करीब अमरीकियों की जान चली गई है, करोड़ों अमरीकियों की नौकरियां चली गई हैं। कैसे सदर ट्रंप अगले 4-6 महीने के अंदर इस सूरत हाल को रिवर्स करेंगे, क्योंकि इसके बहुत ही मनफी असरात उनकी इलेक्शन कैंपेन पे और उनकी जो प्रेसिडेंशियल बिड है उस पर पड़ सकते हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, और यही वजह है कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के इकदाम करके अपने इलेक्टोरेट को, अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, और स्पेशली वो लोग जो कि बिल्कुल इनके 100% साथ हैं वो इनके साथ ना छोड़ें, इनका अपना जो एक वो बैंक है वो इनके साथ रहे। अच्छा, इसकी जहां तक देखिए प्रैक्टिकलिटी का जो मैंने जिक्र किया कामरान साहब, वो ये कि पहली बात तो ये कि ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं, इसका कभी इम्कान है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और वो जजेस प्रो इमिग्रेशन जजेस और जो ओबामा के अपॉइंटीज हैं उनमें से कोई ना कोई जज इसको जरूर इस पर स्टे ऑर्डर इशू कर देगा। तो लिहाजा ये आगे बढ़ने वाली बात नहीं है, लेकिन सदर ट्रंप को दोनों सूरतों में सियासी फायदा पहुंचेगा। अगर ये बात आगे नहीं बढ़ती, इसको कोर्ट्स इसको अगर स्ट्राइक डाउन कर देते हैं इस इरादे को उनके, तो उससे भी इनको फायदा ये होगा कि वो दिखा सकते हैं देखिए ये जो है डेमोक्रेट्स हैं और लेफ्ट लीनिंग जजेस हैं जो मेरे इकदाम की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये 100% एक सियासी फैसला है, अभी इसकी बहुत शदीद मुखालफत की जा रही है, और अफसोस की बात यह है कि अगर आप देखें तो वो इमिग्रेंट्स जो कि इस वक्त जरूरत है जिनकी अमेरिका में, डॉक्टर्स इंजीनियर्स हर एक क्वालिफाइड लोग जो कि इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं और इसको दोबारा रिबिल्ड करने के लिए इकॉनमी को उनकी जरूरत है, ऐसे मौके पर इन्होंने जो ये इकदाम किया है ये एक नेगेटिव है, और इसको तमाम मीडिया ने चाहे वो लेफ्ट का हो राइट का हो, और सेंट्रल तो खैर बहुत ज्यादा इसको इसकी मुखालफत की जा रही है, लेकिन बहरहाल एक सियासी फैसला है और उसकी बजाय कोई इसका अमली फायदा ना मुल्क को होगा और ना यहाँ की इकॉनमी को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैज रहमान, वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक उस दौरान न्यूज हेडलाइन देखें, हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। रियासत पाकिस्तान और IPPs यानी बिजली के निजी कारखानों के दरमियान मामला अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि नाउ और नेवर वाली सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अब ये फैसला होने जा रहा है, इमरान खान की हुकूमत ने और वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि वो IPPs के साथ पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हुए इस संगीन तरीन बहरान का हल ढूंढेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकिल बचाया जाएगा। उनके नज़दीक अब दो सवाल हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल बचाया जाए, या IPPs अरबों डॉलर्स के मुनाफे मुसलसल उनको वो मुनाफे मिलते रहें, अब इसका फैसला होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना ने आज पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने और मामले पर एक आला इख्तियारती कमीशन बनाने की मंजूरी दी है। अब बॉल चली गई है इस आला इख्तियारती कमीशन के कोर्ट पे जो कि हुकूमत बनाएगी। SECB के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी ने जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनाया था और जिसने कि IPPs के मामले के हवाले से बड़ी सैर हासिल तहकीक़ात की है और बहुत ही मेहनत से एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट तरतीब दी है। इसमें कहा गया है कि 1994 से पावर सेक्टर के माहदों, लागत, टैरिफ और कैपेसिटी पेमेंट और मुनाफों की तहकीक़ात जारी है। 288 सफहात पर मुश्तमिल इस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक IPPs ने थर्मल, सोलर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर से बिजली बनाकर डॉलर्स के तलासुब से सालाना 17 से 20% तक तो आम मुनाफा कमाया, और ये मुनाफे इस हद तक थे कि सिर्फ पिछले साल 12 IPPs ने 94 अरब रुपये सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में बिल बनाया, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वह तमाम बिजली हुकूमत ने खरीदी हो, मगर माहिदे के तहत उन्हें इसकी अदायगी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन पावर प्लांट्स में लिबर्टी पावर अटैक, एटलस पावर, अटैक लिमिटेड, निशात पावर, निशात चूनिया, फाउंडेशन पावर, ओरियंट पावर, सफायर पावर और एंग्रो एनर्जी UCH और दो सेफ पावर लिमिटेड
के मंसूबे शामिल हैं जो कि साहिवाल में हैं, और इस तरह से ये मुनाफों की शरह का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही वजह है कि हुकूमत ये समझती है कि इस मामले को हर सूरत में हल करना ज़रूरी है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 IPPs ने मजमूई तौर पर 50 अरब 80 करोड़ रुपये की सरमाकारी की, जिस पर वो अब तक 415 अरब रुपए कमा चुके हैं। नेपरा और SECP की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये साबित होता है कि IPPs को 310 अरब रुपए के आम मुनाफों के अलावा इजाफी मुनाफों से भी नवाजा गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर आई पी पीज़ 2 से 4 साल के दौरान अपनी लागत वसूल कर चुके हैं, गोया कि अपनी इन्वेस्टमेंट उनकी 2 से 4 साल में पूरी हो गई, जबकि अपनी सरमाकारी से 18 गुना ज़्यादा ये मुनाफा इनको हासिल हो चुका है। रिपोर्ट में हैरान कुल इंकशाफ है कि 6 कंपनीज़ ने औसतन सालाना 60 से 79% तक रिटर्न ऑन एक्विटी वसूल किया है, जबकि 4 कंपनीज़ ने 40% तक मुनाफा कमाया है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि इंतहाई महदूद रिस्क और ठोस रियासती गारंटी के साथ ऐसे मुनाफे पाकिस्तान के किसी सेक्टर में मौजूद नहीं है। इसी इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पावर पॉलिसी 2002 के तहत 13 कंपनीज ने तेल और गैस के 2,934 मेगावाट के प्लांट में 57 अरब 80 करोड़ रुपये की सरमाकारी की, और पिछले 10 साल के दौरान ये कंपनीज 203 अरब रुपए का सिर्फ मुनाफा कमा चुकी हैं। इसी ज़बरदस्त रिपोर्ट पे ये सिफारिश की गई है कि डॉलर इंडेक्स को ख़त्म किया जाए, यानी कि IPPs को डॉलर्स के लिहाज से अब मुनाफा देना जो है वो ख़त्म किया जाए। डॉलर्स में अदायगी हुकूमत पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकती, ये रुपए में होनी चाहिए। PPA और कुछ पावर प्लांट्स को ख़त्म किया जाए, पावर परचेज एग्रीमेंट जो है यक तरफा है उनको ख़त्म करना पड़ेगा, और IPPs को टेक एंड पे पर मुंतकिल किया जाएगा। ये करना ज़रूरी है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। फ्यूल पर चलने वाले IPPs के हीट रेट का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, ये बहुत ही नाजुक मामला है। IPPs इसकी मुसलसल मुखालफत करते रहे हैं, इसके हवाले से कोर्ट में जाते रहे हैं कि उनका हीट रेट ऑडिट ना कराया जाए, और हीट रेट ऑडिट से ये मालूम हो कराया जाए इस रिपोर्ट में कहा गया है, और ये फॉरेंसिक एविडेंस इसकी इकट्ठी की जाए कि बिजली बनाने के लिए IPPs ने कितना फ्यूल इस्तेमाल किया और बिजली बेचने में कितना फ्यूल चार्ज किया। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत ये समझती है कि ये पाकिस्तान की बका का मामला है। IPPs के साथ इस तमाम सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेना होगा। इन माहिदों को और IPPs के साथ हुकूमत के माहिदों को एक नया जन्म देना होगा। इसकी वजह क्या है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना के वज़रा इसकी बार बार निशानदेही करते रहे हैं। मैंने फैसला किया कि हमने हर चीज करनी है बिजली की कीमत कम करने के लिए। जिनके बिजली घर हैं और जो बिजली बना रहे हैं तो उनसे भी बात करेंगे, जो कई पावर स्टेशंस महंगी बिजली बना रहे हैं उनको बंद करें, लेकिन हमने अपने लोगों के ऊपर और अपनी इंडस्ट्री पे और बोझ अब डालने नहीं देना। जो बड़ा एक एरिया है जो पाकिस्तान के लिए तबाही का बायस बन सकता है वो इस मुल्क का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। मुसलसल इस मसले को हल करने में हम एज ए कंट्री नाकाम रहे, जो इस चीज़ को जाहिर करता है वो सर्कुलर डेट है। और यही वजह है कि आम पाकिस्तानी को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इस पूरी सूरत हाल के पस मंज़र में इस वक्त पाकिस्तान का एक घरेलू सारिफ दुनिया की सबसे महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर है। पाकिस्तान का एक कारोबार जो है वो दुनिया की इंतहाई महंगी बिजली खरीद रहा है, और इसी तरह से पाकिस्तान एक आम पाकिस्तानी कारोबारी को भी इंतहाई महंगी बिजली बन रही है, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान की मजबूत तरक्की मुतासिर हो रही है। एक और बहुत अहम बात है कि सारा मामला सिर्फ निजी बिजली घरों का नहीं है। पाकिस्तान की जो पावर सेक्टर की जो प्रोफाइल है उसमें तकरीबन आधा हिस्सा हुकूमत का है, हुकूमती बिजली घर हैं, और ये तमाम मसाइल जो कि सामने आए हैं इसमें हुकूमत भी बराबर की शरीक है। और सिर्फ मामला बिजली की चोरी का, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ IPPs के टैरिफ का या कैपेसिटी पेमेंट का नहीं है, पाकिस्तान के बिजली के मामलात का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर बिजली की चोरी, बिजली की लीकेजेस, बिजली के बिलों की अदम अदायगी, हुकूमत इस मामले में बुरी तरह से नाकाम हुई है। एक जानब इन मामलात में नाकाम हुई है, दूसरी जानब वो उन मामलात में नाकाम हुई है जहां पर वो बिजली के कारखाने चला रही है, गोया कि हुकूमत भी इसकी बराह रास्त आधी से ज़्यादा जिम्मेदार है। आज काबीना के इजलास के बाद वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि IPPs से मुतालिक रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन में अब जाएगी। ये इंक्वायरी कमीशन 90 दिन में अपना काम मुकम्मल करेगा और इसकी तहकीकात की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन होगा, और जिसने भी कानून की खिलाफवर्जी की होगी उसे मुआफ़ी नहीं मिलेगी।
बाज़ाब्ता तरीके से ऑफिशियल ओनरशिप के साथ इस रिपोर्ट को पब्लिकली रिलीज़ करने का काबीना ने फैसला कर लिया। रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां निशानदेही की गई है कि ऐसे काम हुए हैं जहां पे कानून की खिलाफ वर्जी भी हुई है और बेजाबतियाँ की गई हैं। इसलिए फैसला ये किया गया कि बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी लिखी जा रही है। वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी। उसके अलावा जो भी और वो तहकीकात कराना चाहते हैं उनके पास ये इख्तियार होगा उसको करने का। उसके लिए 90 दिन की मुद्दत पे आज इत्तेफाक हुआ है। अगर किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की, अगर कोई बेजाबतियों के अंदर शामिल रहा, तो उसकी माफी नहीं होनी चाहिए। ये इसके अंदर कोई दो राय नहीं है और कोई ये भाव नहीं होना चाहिए ये देखे बगैर कि कौन उसके अंदर शामिल है जिसके बारे में ये कहा गया है। ये बहुत ही अहम मामला इस वक्त है। किसी ये ऊँट जो है वो किसी करवट बैठने जा रहा है ये नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खलीक कियानी, पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं एनर्जी अफेयर्स पर, और बहुत ही गहरी उनकी निगाह रही है साल हर साल से। हमें नजम फारूकी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो साबिक डायरेक्टर हैं हब पावर कंपनी के, एनर्जी इशूज़ के एक्सपर्ट हैं। खलीक कियानी साहब, पहले आप ये बताइएगा, इमरान खान हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने और पूरी रियासत पाकिस्तान ने आपके और हमारे इल्म में है तहिया किया है कि इस मसले को अब हल करना है, IPPs के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविज़िट करना है, पाकिस्तान का जो पूरा एनर्जी प्रोफाइल है इसको रिहैश करना है, री इन्वेंट करना है, और अब इसके लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट हो रही है। अब हुकूमत इसके लिए एक कमीशन तश्कील दे रही है जिसके अंदर वो जो फॉरेंसिक ऑडिट की मुसलसल बात हो रही है, शायद वो भी हो सकती हो जाए। आपको क्या लग रहा है, कितना माहौल है और कितनी हमें इसकी उम्मीद होनी चाहिए कि अब ये मसला किसी न किसी सूरत में हल हो जाएगा या उस जानिब बढ़ रहा है? क्या IPPs और हुकूमत जो है वो कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ पाएंगी? शुक्रिया कामरान साहब, आपने अच्छी बात की है माहौल की। तो जो माहौल मुझे नजर आ रहा है वो इस तरह का है कि आपको याद होगा आज से एक डेढ़ महीना या दो महीने पहले तक जो पावर सेक्टर के ऊपर डिबेट्स थी वो इस चीज के ऊपर थी कि हुकूमत जो है वो अपने लाइन लॉसेस और रिकवरीज बेहतर कर पा रही है या नहीं। और आपको याद होगा कि नेपरा ने कहा था कि वो लॉसेस जो है वो रिकवरीज जो है वो उस तरह से उनके ऊपर काबू नहीं पा रहे, और जो सर्कुलर डेट जो गवर्नमेंट का के लोगों का ख्याल था कि 40 अरब से कम करके हम 9-10 अरब के ऊपर लाए हैं, वो नेपरा ने कहा कि जी ऐसी बात नहीं है, और इनफैक्ट वो उससे ज्यादा हो गया, 42 बिलियन आखिरी महीने का उन्होंने उनका एस्टिमेट किया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सारी डिबेट जो है वो अब शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स IPPs। कोई शक नहीं है कि IPPs की बहुत सारी जो अग्रीमेंट्स हैं उनमें फ्लॉज होंगे, लेकिन जो हिस्ट्री ये बताती है कि हमने 94 में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की तो उसके बाद जो हमें सेविंग कितनी हुई उसका मुझे आइडिया नहीं है, मुझे कोई बाजार चीज नजर नहीं आई, लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके बाद दोबारा जब शॉर्टफॉल हुई और अगले कई सालों तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो उसकी बेसिस के ऊपर जब हमने दोबारा एक एफर्ट की, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं था, हमने लोकल बिजनेस सोर्सेज जो है उनको एंगेज किया, उनकी मिंटन तरले करके बेसिकली उनको लाया गया। उस वक्त आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो उसके ऊपर 2002 में, जी 2002 में, तो जो 94 वाली पॉलिसी के इंसेंटिव थे उनसे ऊपर जाके और उससे ज्यादा गारंटीज दे के हम लोकल बिजनेसमैनों को हमने लिया। और जो अभी आप बात कर रहे थे कि उनको बजाय रुपी कंपोनेंट में उनको रिटर्न एग्री करने के, हमने उनको डॉलर कवरेज भी दिया, इंडेक्सेशन भी दी। तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो मुझे यूं लग रही है कि एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है जिसमें असल इश्यूज की तरफ दोबारा वो नीचे जा रहे हैं और बैक बर्नर के ऊपर जा रहे हैं और ये चीजें ज्यादा फोकस हो रही हैं। मेरा ख्याल है जरूरत इस चीज की है के बजाय इन सारों की जो IPPs हैं उनको क्लब करके एक एसोसिएशन टाइप की सिचुएशन क्रिएट करके जो मुल्क की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसके लिए नुकसानदेह हो, एक एक जो IPP था अगर उसके अकाउंट्स को देखा जाए और उन अकाउंट्स में जहां आपको शॉर्टफॉल नजर आए उसके जरिए आपके पास फॉर्म्स मौजूद हैं। यानी मैंने कुछ IPPs के मैं देख रहा था इसी रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें कई कई सालों की उनके फाइनेंशियल रिजल्ट SECP के पास नहीं है,
तो इनफैक्ट ये वो स्टेज थे जहां एससीसीपी को इंटरवीन करना चाहिए था और उनको पूछना चाहिए था कि जी आपके रिजल्ट क्यों नहीं है, और अगर हैं और वो 80% और 90% के प्रॉफिट शो कर रहे हैं तो उस स्टेज के ऊपर ऑडिट होना चाहिए था, एग्जामिन होना चाहिए थे, और उसके थ्रू अभी भी वही वाला प्रोसेस होना चाहिए। और उसके लिए नेपरा एक और रेगुलेटर है जिसके पास आप जाके ये चीजें, इन चीजों की करेक्शन करा सकते हैं और आईपीपी उनके अकाउंट्स जो वो ओपन कर सकते हैं हेयरिंग्स के थ्रू, ये सारी चीजें जो आपको वहाँ करप्शन नजर आए या किकबैक नजर आए या जो किसी ने एक्सेस प्रॉफिट लिया हो उनकी करेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन, जिस तरह का आजकल माहौल बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमें फायदे से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आप ये फरमा रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है ये पब्लिक रियल में डिस्कस और उसका उस पर इस पर डिबेट होने के बजाय इसकी प्रॉपर फॉरेंसिक ऑडिट हो, इनकी बैलेंस शीट्स को, इनकी बुक्स को देखा जाए, हीट रेट ऑडिट भी कर लिया जाए। और फिर नजम फारूक साहब आप बताइएगा, आपका बड़ा हैड्स ऑन एक्सपीरियंस है इस सिलसिले में, तो जो जैसे कि खलीक कियानी साहब कह रहे हैं और जो हुकूमत के दावे हैं और ये रिपोर्ट बड़े वाज़े अंदाज में बता रही है कि माइंड बॉगलिंग प्रॉफिट्स कमाए हैं इन आईपीपीज ने और वो उसको मुसलसल कंटिन्यू करते हैं, मगर इनको नेल डाउन करने के लिए, इनको पिन डाउन करने के लिए तो बाकायदा एक प्रोसेस करना होगा ना, ताकि सिर्फ बात करने से और सिर्फ एक रिपोर्ट से तो काम नहीं बनेगा, इनको बाकायदा नेल डाउन करना होगा, वो कैसे मुमकिन है? आप शुक्रिया खान साहब, बात यह है कि मैं कियानी साहब से पार्टली एग्री करता हूँ कि मगर टोटली एग्री नहीं करता। सबसे पहले चीज़ ये है कि जहाँ करप्शन हुई है और जो रिपोर्ट्स की जो कुछ फिगर्स हमारे पास आई हैं या उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, उसमें बड़ा क्लियर है कि ये इरेगुलरिटीज़ हुई हैं आईपीपीज़ के अंदर। ये उसके लिए हमें पॉलिटिकल विल चाहिए। ये कहना कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी या उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में नहीं आएगी, मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान में स्वाय एनर्जी सेक्टर के क्या किसी और बिज़नेस के अंदर गवर्नमेंट की गारंटीज़ मौजूद हैं? नहीं है। सीमेंट प्लांट बाहर वाले भी आके लगा रहे हैं, क्या उनको गारंटीज़ हैं? नहीं है। इस वक्त क्या हुआ है कि ये इन गारंटीज़ की वजह से और गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न की वजह से आपने आपका जो अपना जो एक मेन सेक्टर था टेक्सटाइल का, उसमें से आपने सारी फाइनेंसिंग जो है डाइवर्ट कर दिया। इस वक्त जितने जितने पावर प्लांट के अंदर लोग हैं ये वही हैं जो टेक्सटाइल वाले थे। मसला ये है, ये हम एक हम ये पॉलिसी डिबेट नहीं, इस वक्त हम बिल्कुल स्पेसिफिक्स की बात करना चाह रहे हैं, और वो ये कि हमें ये साबित करना है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, हमें ये साबित करना है कि जो प्रॉफिट्स उनको मिले हैं 15%, 16%, 17%, ये तो गवर्नमेंट ने गारंटी किए थे, मगर उसके ओवर एंड अबव उसके जो प्रॉफिट्स हुए हैं और उसकी बाकायदा जो चीज़ें स्पेसिफिक सामने आई हैं, माइंड बॉगलिंग प्रॉफिट्स हैं और ओवर एंड अबव जो कि उनको माइंड बॉगलिंग प्रॉफिट हुकूमत ने श्योर किए थे उससे भी कहीं ज़्यादा डबल, और फिर इसी तरह से जो उनको रिटर्न और इक्विटी है वो पाकिस्तान में किसी जगह नज़र नहीं आई है, तो उसको हमें पिन डाउन करके उसको सामने रखना है ना उनके, कि जी ये आपने जो आपको हमने इतना मुनाफा दिया था आपने उससे भी ये 10 गुना या 12 गुना या 4 गुना ज़्यादा कमाया है। सर इसमें फॉरेंसिक ऑडिट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी और वो बिल्कुल आज़ादाना तरीके से होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो हैं पिछले 10 साल के या 15 साल के या 20 साल के डॉक्यूमेंट्स को ये कह के कि भाई वो नज़र नहीं आ रहे या हमें मिल नहीं रहे, अगर और कुछ नहीं तो आप ये देखिएगा कि इन्हीं कंपनीज का पहले जब इन्होंने ये लगाए थे प्लांट उस वक्त क्या एसेट्स थे और अब इनकी एसेट्स की वैल्यू क्या। एसेट से मुराद ये है कि उनके जो उन कंपनीज के जो प्रॉफिट्स जो हैं या जो पैसा उनके पास आया कहाँ से आया, वो इसी अर्निंग से आया है। तो इफेक्टिवली इस एब्सोल्युटली राइट, इसमें बिल्कुल पॉलिटिकल विल हमारे पास होना चाहिए कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उनसे रिकवरी करनी चाहिए। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने नहीं किया, मगर ईच एंड एवरी प्लांट मस्ट बी प्रॉपरली फॉरेंसिक ऑडिट उसका होना चाहिए। आई टोटली एग्री विद दैट। खलीक साहब ये बताइएगा कि एक तो ये हो गया ना, ये तो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, हम जो गवर्नमेंट खुद एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, एक जानब वो खुद पावर प्लांट चला रही है और बहुत ही वो भी इस जो डोल है या जो इसमें फ़ायदा है वो उसका हिस्सेदार है, दूसरी तरफ जो मिसमैनेजमेंट है हमारे पावर सेक्टर की, हमारे लीकेजेज, हमारे एरियर्स, हमारे बिल नहीं पे होना, हमारे डिस्कोस के प्रॉब्लम, हमारे बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम, ये तो सारा हुकूमत का अपना बोझ है। अगर ये हुकूमत अपना और अपने पावर अपने जो उसकी अपनी ओनरशिप के पावर प्लांट्स हैं उनको ठीक कर ले तो
ये तीन चौथाई तो मसला हुकूमत अपने हाथ में है, वो ठीक हो सकता है। सर एग्जैक्टली मैं यही इशारा कर रहा था कि जो ज्यादा बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट की एजेंसीज के ऊपर है। ऐसे जो मोटे मोटे दो नंबर में आपको बताता हूँ कि 20% हमारे सिस्टम लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन लॉसेज, ये जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड नंबर्स हैं। हो सकता है मार्केट में किसी का ख्याल हो कि इससे ज्यादा लॉस है, तो 20% ये लॉसेज हैं और तकरीबन 9 से 10% की रिकवरी कम हो रही है, यानी जो आप बिल करते हैं उससे रिकवरी कम होती है, तो दोनों मिला के तकरीबन ये 30% का लॉस है। इसको आप 1% लॉस जो है वो तकरीबन बनता है 16 बिलियन, क्योंकि हमारा जो पावर सेक्टर का टोटल बजट है वो तकरीबन 1.6 ट्रिलियन का है एनुअल। तो सिर्फ ये दो आइटम जो है इनसे 480 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज और उनकी कंपनीज की वजह से हो रहा है। इससे नीचे अगर आप जाएं जो उनके जो जनरेशन कंपनीज हैं वहां क्या हाल है, वो तो हमारी मतलब उनका ये हाल है कि वो सिस्टम में चलने के काबिल नहीं है, और बाद उसमें ऐसे भी हैं कि जो 16-18% के ऊपर उनकी एफिशिएंसी है, जबकि हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों की शायद 60-62% तक भी हो। तो ज्यादा बर्डन जो है, ज्यादा काम करने की जरूरत जो है, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि ये इनका एक एक करके फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और जहां शॉर्टफॉल नजर आए कि किसी ने गड़बड़ की हुई है अकाउंट्स में, उसकी करेक्शन की जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट के ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो वहां लॉसेज हैं, वहां जो सिस्टम लॉसेज इतने ज्यादा हो रहे हैं, जो चोरी हो रही है, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस के साथ काम करने की जरूरत है, और उसके ऊपर हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा फोकस चाहिए, ज्यादा विल चाहिए। नजम फारूकी साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक बार बार जिस चीज को रिजिस्ट करते हैं हमारे ये IPPs, वो खास तौर पे वो हीट रेट ऑडिट है, जो कि हुकूमत और फिर ये रिपोर्ट भी कहती है कि वो एरिया है जो कि यकीनन इसमें घपला है, आपका एक्सपीरियंस इसको एंडोर्स करेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि PPA के अंदर सालाना उसकी जो है परफॉर्मेंस जो है उसकी रिव्यू होता है, यानी जिसके अंदर आप हीट रेट को भी चेक करते हो और उनकी के लोड कंडीशंस को भी चेक करते हो कि जो जिस बेसिस पे उनको कैपेसिटी प्राइस मिल रही है कि उतना लोड वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो नहीं हुआ, मतलब पहले जब स्टार्ट करते हैं COD के ऊपर उस वक्त होता है, उसके बाद किसी ने बॉदर ही नहीं किया उस चीज़ को। और ये इफ़ेक्टिवली मैं क्योंकि इस काम में खुद इन्वॉल्व रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि जहाँ अगर किसी का हीट रेट जो था वो नॉर्मली जब उन्होंने PIPB के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए तो अपने आप को कवर करने के लिए कि अगर इससे कम हम जाहिर हुआ तो शायद हमें वो कैपेसिटी प्राइस हमारी कम कर दी जाए, तो उन्होंने उसको वहाँ बढ़ा चढ़ा के पेश किया। तो इफ़ेक्टिवली येस, हीट रेट की प्रॉब्लम हुई है और दैट इज़ द मेजर एरिया जहाँ से के पिलफरेज हुई है। अब दूसरी बात, मैं खलीफ साहब की बात पर दोबारा आता हूँ, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि इस वक्त जो इम्पैक्ट जो है इस वक्त हमारे सर्कुलर डेट पे, उसमें मेरे ख्याल में 70-80% जो सर्कुलर डेट का इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट के जेनकोस से है और जो नए CPEC के तहत जो प्लांट आए हैं उनका है। और ये सर्कुलर डेट की एक्चुअल वैल्यू जो है ये कागज़ों में ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं उनको पेमेंट अगर नहीं हो रही है तो उसको डेट के अंदर शो किया जा रहा है। तो इफेक्टिवली ये एक अकाउंटिंग की टर्म्स हैं कि एक तरफ से आपको नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ से आपने उधार शो कर दिया। ये जो सर्कुलर डेट का इम्पैक्ट IPPs का, जो पुराने IPPs हैं उसमें 1994 वाले, 2002 वाले, 2005 वाले, उनका इम्पैक्ट जो है 10-15% से ज़्यादा नहीं है। बाकी जेनकोस का है, उसमें मोस्टली इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं, उनको अब बंद होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वहाँ चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रिज हो रही है, और आज से नहीं हो रही, पहले दिन से हो रही है। तो इफ़ेक्टिवली उनका भी फॉरेंसिक ऑर्डर बल्कि और ज़्यादा सख्ती से होना चाहिए। चोरी जो है, इन्होंने खलीफ साहब ने कहा जी 20% के लॉसेज हैं, हमारे हिसाब से डिपेंड 20-30% लॉसेज हैं और रिकवरी में है 10-15%, यानी कि एवरेज 35% का चक्कर है। थैंक यू सो मच जनाब खलीफ कियानी, जनाब नजम फारूकी, साबिक डायरेक्टर हबको हमारे साथ मौजूद थे। बात आके रुकेगी बिल आखिर के इन मैनेजमेंट को, इन इस जो IPPs के ओनर्स हैं जिन्होंने के पिछले साल हर साल में अरबों डॉलर्स के मुनाफे कमाए, किसी भी लिहाज से
दुनिया के जो बड़े से बड़े मुनाफे हो सकते हैं, पाकिस्तान में तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं है, इस तरह के उन्होंने मुनाफे कमाए। अब रियासत पाकिस्तान उनका मुल्क जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि उन्हें वो डॉलराइज्ड रिटर्न देते रहे, डॉलर के मुनाफे उन तक पहुँचाते रहे, बग़ैर बिजली खरीदे, बग़ैर बिजली इस्तेमाल किए बिजली की पेमेंट्स उनको करती रहे। वो माहदे में है या नहीं है खुदारा ये उनको सोचना पड़ेगा। IPPs को भी सोचना पड़ेगा कि बहुत मुनाफे कमा लिए, अब पाकिस्तान की भी कुछ सोच लें। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कोरोना के हवाले से मुतासरीन तक और मुस्तहकीन तक इमदाद पहुँचे। विफाक भी काम कर रही है, दूसरे अपने अपने सूबे भी काम कर रहे हैं। सिंध में एक सूरत हाल सामने आई है कि सिंध के अंदरून में कुछ इमदाद तकसीम हुई है जो हुकूमत सिंध ने तकसीम की है, ज़ायदुल मियाद है, इंतहाई गैर मियारी है। इसके अलावा जो विफाक की इमदाद है, जो सिंध की इमदाद भी है, वो गरीबों तक पहुँचाई जा रही है, मगर उस पर बिलावल भुट्टो की तस्वीर लगा दी जाती है और तीर का निशान भी। इसकी बात करते हैं छोटे से वाक़े की बात। यकीन उस अंदाज की मदद तो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें मुस्तहकीन की मुस्तहक पाकिस्तानियों की नहीं कर सकती, जैसे दुनिया की क़ुव्वतें दुनिया के अमीर ममालिक कर रहे हैं या बड़े ममालिक कर रहे हैं। लेकिन किसी न किसी हद तक पाकिस्तान में भी ये इमदाद का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हर पाकिस्तानी के, हर मुस्तहक पाकिस्तानी के घर तक 12,000 रुपये की मदद पहुँचा रही है, जिसमें ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक, जिसका आज 13वां दिन था, 60 अरब रुपए तकरीबन 50 लाख खानदानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। एक बड़ी सिग्निफिकेंट ये मदद है जो वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए की है। मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने सूबों में अपनी बसात के मुताबिक लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत सिंध, जिसको हमने देखा है कि कोरोना की वबा के दौरान बहुत मुस्तैद नज़र आई है और बहुत ही मेहनत से, ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एक्टिव नज़र आए हैं, बहुत ही मुस्तैदी से काम करते नज़र आए हैं। उनके काबीना के कई वज़रा भी बहुत एक्टिव नज़र आए हैं और हुकूमत सिंध की कारकर्दगी यकीनन इस हवाले से बहुत बेहतर रही है, बहुत मुनासिब रही है। इस प्रोग्राम में हम उसको हमेशा रिकग्नाइज करते रहे हैं। हुकूमत सिंध भी राशन पहुँचा रही है और इसके लिए तकरीबन 1 अरब रुपये जारी किए गए हुकूमत सिंध के ख़जाने से, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई गलतफहमी भी पैदा हुई थी, लेकिन अब हुकूमत सिंध ने अपनी पोजिशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बयान भी किया है। लेकिन इसी दौरान कुछ शिकायतें सामने आई हैं, ये शिकायतें एक सिंध के कई अजला में सामने आई हैं। हमें नहीं पता कि हुकूमत सिंध इसकी कितनी तहकीकात कर रही है या इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मगर सिंध के कई अजला से ये शिकायत आई है कि जो राशन सप्लाई किया जा रहा है वो गैर मियारी है, उसमें कई ऐसी खेपें हैं जहाँ पर ज़ायदुल मियाद राशन दिया गया है या बहुत ही गैर मियारी राशन दिया गया है। लगता यह है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी मुझे यकीन है और बहुत यकीन है कि मुराद अली शाह वज़ीर आला ज़रूर उसकी तहकीकात कराएंगे कि ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, सांगल, टंडवादम, शहदादपुर, झोल में जो सरकारी रोशन के पहले तकसीम किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं यकीनन गड़ी सली अशिया हैं और अजीब अजीब नाम के ब्रांड हैं जिनके ये सामान कराम पहुँचाया गया है, एक्सपायर्ड की देखा गया है। तेल और आटा, दाल, चावल, चीनी के हवाले से, चाय की पत्ती के हवाले से कई प्रॉब्लम और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम देखने में आए हैं। कई जगह पर ऐसा लगा कि फफूंदी लगी हुई है और आज नवाब शाह और सकरण में गरीब लोगों को मिलने वाले सरकारी राशन के थैलों से बदबूदार और कीड़े वाला आटा भी निकल आया है और बाकायदा इसकी वीडियोज़ जो हैं वो हमने खुद भी न सिर्फ हासिल की हैं बल्कि इसकी तस्दीक भी की है कि ये सही है या नहीं। ये 14 साल की पुरानी पत्ती जाकर देखो, ये आपको खोल देगा, कीड़े मकोड़े इसमें है। चावल ये कौन से भाई, ऊपर सुपर कर्नल लिखा हुआ है और अंदर जो है एरी, घटिया ना घटिया। 13 साल पुरानी असाई की जो कोई पत्ती दिनी हुई है, गी भी 2,000 डेज डिनो पियो है, बनियो पियो जो छाए ये मने के दिन जो खादो असाई डिनो पियो 2002 जी डेट का शुरू थियो, 2010 का एंड आ रिजेक्ट तेला, 2010 का शुरू जो मने बॉर्डर सामान ठाई दिनो लियो।
حزب اختلاف نے حکومت سندھ کے مخالفین نے نزلہ میں اس بات کی بھی شکایت کی ہے کہ جو سرکاری پیسوں سے حکومت سندھ کے خزانے سے جو امداد تقسیم کی جاری ہے اس پہ جناب بلاول بھٹو کی تصویر لگا دی جاتی ہے، اس پہ پی تیر کا نشان لگا دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اصل معاملہ جو ہے وہ ہے ان اشیاء کا اور اس حوالے سے شکایات کا کہ یا تو وہ بہت زیادہ زائد المیعاد ہیں یا انتہائی غیر معیاری اشیاء ہیں جو کہ تقسیم کی گئی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس حوالے سے جو شکایات ہیں اس میں کوئی وزن بھی نظر آتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں شیئر کریں گے، ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار کھوکر، یہ بتائیے گا کہ کتنی یہ شکایات جو ہیں تصدیق شدہ ہیں اور کتنی وسیع ہیں یہ شکایات، یا یہ محدود جگہوں سے یہ شکایت سامنے آئی ہیں، کوئی لاٹ سے اس قسم کی خراب نکل گئی ہیں، کیا ہوا ہے، کیا آپ کی تحقیقات کہتی ہے؟ جی خان صاحب، فی الحال تو یہ شکایات جو آئی ہیں انہیں جگہ سے جن کے نام آپ نے گنوائے، اس سلسلے میں ہم نے جو بات چیت کی ہے حکام سے بھی بات چیت کی ہے۔ ٹھٹھا سے سب سے پہلے شکایت آئی تھی کہ ٹھٹھا شہر کے اندر زائد المیعاد تیل اور پتی چاول اور یہ ساری چیزیں دی گئی تھی۔ لذت نام کا تیل کا تھیلا تھا، یہ نام کسی نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ اس پہ ڈی سی ٹھٹھا کا یہ موقف آیا ہے کہ جی اشیاء اندر ٹھیک ہے اور اس پہ جو پیکنگ ہے وہ زائد المیعاد کی، کیونکہ وہ جو وینڈر ہے اس کے پاس پیکنگ کے لیے وہ سامان نہیں تھا یا نئی ڈیٹ والا سامان نہیں تھا، اس لیے اس نے پرانی ڈیٹ والی تھیلوں میں نیا سامان پیکنگ کریا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو پیکنگ ہے یہ باقاعدہ ایک پلانٹ پہ ہوتی ہے، یہ پلانٹ اس نے کہاں سے لایا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیکنگ ایسی ہے تو اندر سے گلی سڑی یہ اشیاء کیسے آئی؟ یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک جگہ کا معاملہ ہو گیا، کہ سندھ کی دوسری جگہوں سے بھی کچھ مختلف قسم کی بھی شکایات ملی؟ جی خان صاحب، تھرپاکر میں یہ ہوا کہ تھرپاکر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف ٹرکوں پہ چھاپہ مارا اور جو سامان فراہم ہو رہا تھا ننگر پارکر اور دیگر علاقوں میں، تو اس میں یہ آیا کہ وہ جو سامان ہے وہ تھیلا اگر اس میں 2000 روپے کا سامان ہو چاہیے تو اس میں 900 روپے کا سامان ملا، اور چیزیں بھی خراب تھیں۔ اور ڈی سی تھرپاکر کا یہ بات ریکارڈ پہ آ گئی ہے کہ انہوں نے اس سامان کا وینڈر کا وہ پورا ٹھیکہ کینسل کر دیا۔ سانگڑھ سے ابھی یہ بات ہے کہ سانگڑھ کے ڈی سی سے میری بات ہوئی عمران خواجہ سے، اس نے اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے تقریباً 20 لاکھ روپے کا سامان جس وینڈر سے لیا اس میں چائے کی پتی اور دیگر چیزیں جو ہے نا وہ خراب تھیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی اس نے ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ لیکن یہ ٹھیکے منسوخ تب ہوئے جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، جب میڈیا پہ آئی ہیں، جب سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، اس کے بعد یہ ایکشن ہوا ہے۔ لیکن سرکاری سطح پر اس معاملے پر کوئی جو باقاعدہ نوٹس لیا جائے، کوئی ایکشن ہو، کوئی انکوائری ہے، وہ ابھی تک نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً سیریس معاملہ ہے اور حکومت سندھ جو کہ بہت ہی مستعدی سے خاص طور پہ چیف منسٹر کام کر رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ڈیولپمنٹ ہے۔ حکومت سندھ کا باقاعدہ موقف ہمیں ایک بار پھر شیئر کریں گے صوبائی وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب۔ یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اخبارات میں بھی آیا ہے، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اس کا ذکر ہے۔ آپ مجھے مجموعی صورتحال بتائیے، حکومت سندھ نے اس کے بارے میں اب تک کا کیا رد عمل ہے اس پوری صورتحال پہ؟ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ ایک تو دیکھیں میں یہ واضح کر دوں کہ اس وقت صوبہ سندھ کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی اور صوبائی حکومت راشن تقسیم نہیں کر رہی ہے، اور جو حکومت کر رہی ہے سوالات بھی یقیناً اٹھ رہے ہیں۔ اور میں ایک چیز اور بھی واضح کر دوں کہ جب یہ مجبوری میں راشن کی تقسیم کرنے کے آپشن کی طرف آئے تھے، ہمیں اس وقت اندازہ تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور اس میں مسائل بھی پیدا ہوں گے اور اس قسم کے الزامات بھی ہم پر لگیں گے۔ اسی لیے ہم نے کوئی میکانزم ایسا بنایا تھا جس میں ہم کل کو بتا سکیں کہ جی ہمارے نظام میں جو بیسٹ پاسبل آپشنس تھا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا۔ ابھی خود اختیار کھوکر یہ بتا رہے تھے کہ جی ڈپٹی کمشنر سانگڑھ کو پتہ چلا، ڈپٹی کمشنر تھرپاکر کو پتہ چلا، ایون ڈپٹی کمشنر ٹھٹا جن کی ابھی ایک واقعہ بتا رہے تھے ان کو پتہ چلا، ان تمام ڈپٹی کمشنرز نے اس پہ ایکشن لیا اور جو حقائق تھے وہ سب کے سامنے رکھے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کوئی انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پر بھی ڈپٹی کمشنر اس پورے آپریشن کو اپنے ضلع میں سپروائز کر رہا ہے، اگر وہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی شکایت آتی ہے تو پھر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں نا، یہ چیزیں جب میڈیا پہ آ گئی، جب یہ چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ گئی، آفٹر آل یہ پروسیس جو ہے جس کے تحت یہ پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، جس کے ذریعے یہ خریداری ہو رہی ہے، اس میں تو پتہ چل گیا نا کہ ایک محدود نہیں وسیع پیمانے پہ بڑا شدید مسئلہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر نے اس پہ پھر کیا آپ لوگوں نے ایکشن کیا، اس پورے عمل کو فی الحال روکا ہے، اور پھر یہ دیکھیں نا اتنی محنت سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے اور یہ کتنی بری اس کا یہ امیج بن رہا ہے۔ مجھے خود پرسنلی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے جو آپ نے بتایا کہ 1 ارب اور 8 کروڑ روپے ہم نے رکھے اس راشن کی تقسیم کے لیے پہلے فیز میں،
उसमें हमने 5 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को राशन पहुँचाना था और आज सुबह तक की जो मेरे पास तफसील आई थी उसके मुताबिक 3,80,000 ख़ानदानों तक राशन पहुँचा है। अब मैं ये तो कसम नहीं खा सकता हूँ कि जी उसमें कहीं एक जगह पर भी कोई गलती नहीं होगी, मैं सबकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि कोई कोताही रह गई हो, लेकिन अगर 3,80,000 लोगों को हमने दिया है तो शिकायत शायद कई मतलब कुछ दर्जन जगहों से आई होगी हमारे पास कि ये प्रॉब्लम है, और कुछ शिकायत ऐसी भी हैं जिसका मैं खुद विटनेस हूँ, चूँकि मैं कराची में देख रहा हूँ तो शिकायतें आती हमारे पास। कुछ लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं, वो एक खुद वीडियो बनाते हैं, खुद ही बैग बनाते हैं और ये कहते हैं जी ये बैग हमें सिंध गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन जब उसकी हमने तहकीकात की तो पता चला कि वो जो बैग था वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दिया वो ही नहीं था, वो उन्होंने खुद से ही बना के वो मीडिया पे चला दिया ताकि लोग हमसे रब्ता करें, हमें पूछें कि जी आपने, बहरहाल उसके और बहुत सारे चीज़ें थी। ठट्टा के अंदर जो वो बता रहे हैं, ठट्टा में बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बुलाया, उनके सामने सारी चीज़ें रखी, ये मैं बात इस बात को डिनाई करता हूँ कि घी जो है वो किसी पुराने बैग के अंदर था, आटे का जो बैग था उसमें चीनी, चीनी के बैग में चावल, चावल के बैग में कोई और चीज़, इस तरह ज़रूर थी। उसकी वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से मार्केट्स बंद थी, उस वेंडर का ये कहना था कि मुझे वो बैग्स नहीं मिल ही रहे थे, तो जो अवेलेबल बैग्स थे वो मैंने उठा लिए, उसके अंदर मैंने सामान नया जो फ्रेश सामान था वो मैंने डाला, लेकिन उसके ऊपर डेट पुरानी डली हुई थी। वो डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मीडिया के सामने उसको खोल कर चेक भी करवाए कई बैग। एक और भी आपको चीज़ बता दूँ, जहाँ से शिकायत आती है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि वो हज़ारों बैग एक एक को चेक करें, लेकिन रेंडमली वो हर 10-12 बैग के बाद एक बैग खोल कर वो चेक ज़रूर करते हैं कि क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी अच्छा, कैसी है, ख़राब तो नहीं आई है। ये जो जितना ह्यूमनली पॉसिबल होता है हम कर रहे होते हैं। ये जो प्रोक्योरमेंट हुई है, ये ख़रीदारी की है जिसने ये राशन, ये कौन सा महकमा है, उस पर क्या ओवरसाइट है और उसका क्या ऑडिट हो रहा है, किस तरीके से कौन उसको देख रहा है कि वो क्या खरीद रहा है, किस पैमाने पे खरीद रहा है, किस स्पेसिफिकेशन पे खरीद रहा है, ये 1,08,00,000 रुपए की, 80,00,00,000 रुपए की जो खरीदारी है ये किसने की है? खान साहब, एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जब इस किस्म की इमरजेंसी की सिचुएशन होती है और आज की सूरत हाल में अगर मेडिकल की प्रोक्योरमेंट हो रही हो तब भी, या और कोई इमरजेंसी की प्रोक्योरमेंट हो रही हो तब भी, तो वो जो नॉर्मल सेप्रा के रूल्स अप्लाई करते हैं वो तरीक़ेकार नहीं अपनाया जाता, इसलिए कि उसमें कई महीने लग जाते हैं आपको टेंडर करने में और सारे सिस्टम को फॉलो करने में। तो इन हालात में प्रोक्योरमेंट के जो रूल्स होते हैं उसको रिलैक्स किया जाता है, और जो हेल्थ के सेक्टर में प्रोक्योरमेंट हो रही है उसमें तो हमने बहुत क्रेडिबल किस्म के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, जो पूरे सूबे के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी कमेटी बनाई है, वो क्वालिटी भी चेक करते हैं, वो प्राइस भी चेक करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या चीज़ देनी है, तो वो उनके थ्रू हम कर रहे हैं। जहाँ तक राशन की बात है तो पूरे सूबे सिंध के जो 29 डिस्ट्रिक्स हैं उन तमाम ज़िलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राशन की ख़रीदारी करें। तो और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें से अक्सर जगहों पर ये फरमाइएगा उन्होंने ही ख़रीदारी करनी है और उसी उन्होंने ही चेक करना है कि उसका मेयार कैसा था और उन्होंने ही फिर उस पर एक्शन लेना है, तो ये सब कुछ वो डिप्टी कमिश्नर के हाथ में है। जी जी, मैं आपसे ऐसा करूँ। देखें, पहली बात जो मैं कहने जा रहा था कि अक्सर जगहों पर जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स में ये इतना राशन अवेलेबल था और हमें वो प्रोवाइड कर सकते थे, हमने यूटिलिटी स्टोर से लिया है सामान। मतलब अक्सर जगहों पे मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि कुछ इलाके ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर ने या तो माजत की होगी या उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि हमें दे सकें, तो वहाँ मजबूरन वो किसी और वेंडर के पास गए। मेरा ये ख्याल है कि जब पूरी हुकूमत का इतना निज़ाम चलता है, और मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि हमारे डिप्टी कमिश्नर्स बहुत अच्छे हैं, हमें किसी के ऊपर पहले से ये शक नहीं करना चाहिए कि कोई इंटेंशनली एक्सपायर सामान लेगा, कम सामान लेगा, बुरा सामान लेगा। जहाँ जहाँ शिकायत आई है वहाँ पर हम एक्शन ले रहे हैं। मैं ये बात आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें पूरी हुकूमत या हुकूमत के साथ काम करने वाले तमाम लोग, ख़ास तौर पर जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें बड़ी सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं। अगर कहीं शिकायत आती है, मीडिया का काम है कि बिल्कुल सामने लेकर आए, लेकिन किसी चीज़ को साबित हुए बगैर किसी की नीयत के ऊपर शुबा करना कि शायद उन्होंने जानबूझ के किया होगा या कोई और इसके पीछे इंटरेस्ट होंगे, वो बात शायद मुनासिब नहीं है। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद गनी। बहुत ही संगीन मामला है, हुकूमत सिंध से इसका ताल्लुक है और वो हुकूमत सिंध की तर्जुमानी कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे ये मामलात ना उठें, ख़ासतौर पे कोरोना से बचाव बहुत मुश्किल हो, अगर पाकिस्तान में उसी अंदाज की डिलीवरी सर्विसेज हो, ई कॉमर्स हो, जो पूरी दुनिया में इस वक्त राइज है, पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है, और पाकिस्तान में डिलीवरी सर्विसेज, ई कॉमर्स यानी कि अमेज़ॉन वगैरह टाइप की जो सर्विस पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इस जैसी दूसरी, पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है, इसकी वजूहत क्या हैं, पाकिस्तान की एक नामवर डिलीवरी सर्विस दराज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद।
लॉकडाउन की सख्ती पाकिस्तान के बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ज़्यादा है, मगर सबसे ज़्यादा लॉकडाउन से मुतासिर भी इन्हीं शहरों में रहने वाले पाकिस्तानी हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें रोज़मर्रा अपने कामों के लिए, ख़रीद फरोख के लिए उस मुसीबत से दो चार होना पड़ता है जो दुनिया के दूसरे ममालिक में शायद आम शहरियों को नहीं होना पड़ा, ख़ासतौर पर इस लॉकडाउन में। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की रिटेल मईशत का इन्हिसार हाथों हाथ वसूली और कैश अदायगी पर है। हमारे मुल्क में ऑनलाइन शॉपिंग की झंझट से लोग बचते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग इसका रिस्क नहीं लेते, या वो इससे आगाही उनकी नहीं है। अगरचे पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, इनके हाथ में स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन होते हैं, इंटरनेट ब्रॉडबैंड है पाकिस्तान में, आम तौर पर 3G 4G आम लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि जदीद दौर में भी हमारे यहाँ ना ई कॉमर्स उस अंदाज से फ़ाल है जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में, और ना ही ऑनलाइन डिलीवरी के मौसर निज़ाम में आवाम की दिलचस्पी नज़र आती है। पाकिस्तान में वैसे तो और ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही हैं, दराज, OLX, Zameen.com, फूड पांडा जैसी ऑनलाइन सर्विसेज अभी तेज़ी से फैलती भी नज़र आ रही है। फिर भी हमारे मुल्क की जो बड़ी अक्सरियत है वो इन सर्विसेज का भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रही, उस अंदाज से नहीं इस्तेमाल हो रहा जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में होता है। उसकी शायद मुख्तलिफ वजूहत है, मगर बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में डिजिटल पेमेंट का निज़ाम सही मायनों में मुतहरक नहीं है, उस अंदाज से मुस्तहकम नहीं है। और फिर एक बात यह भी है कि जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनका मेयार, उनकी सर्विसेज, उनकी ऐप्स वगैरह भी उस स्टैंडर्ड की नहीं है जैसे दुनिया में इस किस्म की सर्विसेज की होती हैं। लॉकडाउन के ज़माने में लोग घरों में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करें और फिर उस झंझट से आज़ाद हो जाएं जो कि आप ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर, सुपर स्टोर्स के बाद आप रश की सूरत में देखते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पा रहा, उसकी वजूहत जानते हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ ऑनलाइन सर्विस दराज के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अहसन साया। बहुत बहुत शुक्रिया अहसन साया साहब, फरमाइएगा कि क्या वजह है कि लॉकडाउन भी हुआ और पाकिस्तानी और कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में बड़े बड़े स्टोर्स में लाइनें लगाते हैं, सैकड़ों की तादाद में अंदर से घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि सारी दुनिया में ये चीज़ें आपके एक फ़ोन पे इशारे से आपके घर पे पहुंच जाती हैं। हम इस मामले में बहुत पीछे नज़र आए इस इम्तहानी दौर में, इसकी मुख्तसरन जो अहम तरीन वजूहत हैं आपके नज़दीक वो क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक पहली वजह तो ये है कि ऑब्वियसली जब लॉकडाउन हुआ था तो अनसर्टेनिटी बहुत थी और गवर्नमेंट से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे कि क्या क्या चीज़ें डिलीवर हो सकती हैं। तो शुरू में तो एक्चुअली थोड़े दिनों में हमें पता भी नहीं था कि लॉकडाउन के दरमियान में हम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं, तो काफ़ी ऑनलाइन कंपनीज इसकी वजह से ऑब्वियसली इस मौके पे सर्व नहीं कर सकें थी पॉपुलेशन को। फिर ऑब्वियसली स्लोली एसेंशियल्स आइटम्स की जैसे ग्रोसरी आइटम्स हैं उनकी डिलीवरीज खुली और उन कैटेगरीज में हमने देखा कि एक्चुअली काफ़ी डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई थी। स्पेसिफिकली जैसे पहले हाइजीन प्रोडक्ट्स में काफ़ी बढ़ी थी, फिर फ्रेश प्रोड्यूस में काफ़ी इंक्रीज आया था। लेकिन ये बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में बेसिक प्रॉब्लम क्या आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका अपना जो सपोर्ट सिस्टम है आप जैसी ऑनलाइन सर्विसेज का, वो इतनी बड़ी डिमांड को कैटर नहीं कर सकते, बुनियादी प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ? नहीं, आई थिंक देखें ऑनलाइन कंपनीज ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं। अगर आप देखें दराज फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2500 राइडर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, 4 वेयर हाउसेज हैं और तकरीबन 50 हब्स हैं 19 शहरों में। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर सकें। तकरीबन हम 20 लाख प्रोडक्ट्स हर महीने डिलीवर करते हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन साहब ये नंबर्स तो हैं, लेकिन आपका कस्टमर अच्छी तरह से जानता है, दूसरे लोगों का कस्टमर भी अच्छी तरह से जानता है कि ये उस लेवल की, कहीं भी दूर दूर तक उस लेवल की सर्विस नहीं है, ना ही आपकी जो ऐप्स हैं उस अंदाज की हैं जो दुनिया में आम तौर पर आम ही नज़र आती हैं। भारत में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, तो इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। और फिर हमारा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो भी शायद इतना मुतहर्रिक नहीं है। जी, तो मैं आपसे पहली चीज़ पे इतना एग्री नहीं करूँगा कि जो ऐप क्वालिटी है और जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर देखें फॉर एग्जांपल दराज की जो क्वालिटी है वो अलीबाबा कंपनी है, तो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी और ऐप क्वालिटी वही है। नहीं, प्रोडक्ट क्वालिटी और ऐप क्वालिटी से ज़्यादा जो है सर्विस क्वालिटी होती है जी। के अब आप अगर एक चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं आपको 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मिलती है, तो वो तो उसका पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है ना।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसमें ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। हम कराची लाहौर इस्लामाबाद में अब एक्सप्रेस डिलीवरी करते हैं सेम डे, मगर आपकी बात बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली कस्टमर की जो नीड्स हैं वो केटर करना ज़रूरी है और ये सर्विस लेवल्स हमें और भी इम्प्रूव करने चाहिए। और इसमें ऑब्वियसली ये भी ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट्स हैं उसमें ऑब्वियसली देखें ये होता है कि अगर आप मुझे 100 रुपये दें, मैं अपने नेबर को 100 रुपये दूँ, वो 100 रुपये रहते हैं। डिजिटल पेमेंट्स में कॉस्ट होती है, तो ये ज़रूरी कि हम ये कॉस्ट भी रिड्यूस करें जो ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट्स की हैं, तो वो ऑनलाइन अडॉप्शन और सॉरी अडॉप्शन ज्यादा हो। लेकिन साहिब साहब ये बताइएगा कि अभी भी ये कहां दुनिया में हर जगह ऐसा होता है कि कैश पेमेंट पे आप डिलीवरी कर रहे हैं, कैश पेमेंट पे लोग ऑर्डर कर रहे हैं। आजकल तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली कार्ड्स के थ्रू होती हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होती हैं, उसमें कहां ये अब आपके यहां तो हर चीज जो है या आप जैसी सर्विसेज की कैश पे लें, कैश पे दें, तो उससे तो आधा पर्पस तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर देखें ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यू नो 1% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, तो अभी से हमारी जो बैंक्ड पॉपुलेशन है वो ही कम है। तो एक्चुअली ये जो कैश ऑन डिलीवरी फिनोमेनन ये इंडिया में भी होता है, ये दूसरे मुल्कों में भी होता है, मगर आई थिंक ये जब तक होगा जब तक हमारी पॉपुलेशन और बैंक्ड नहीं होगी, मगर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर इंशाल्लाह आई थिंक आई नो कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर कार्ड ही नहीं डिजिटल पेमेंट्स के तो बहुत सारे तरीकेकार निकल आए ना जिसके जरिए कि पेमेंट्स होती हैं, आप अपने सिस्टम्स कर सकते हैं। हमारे सिस्टम्स एक्चुअली आप दराज पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इजी पैसा, जैज़ कैश, दराज वॉलेट से पे कर सकते हैं एक्चुअली, मगर आपको ये भी देखना है कि डिमांड साइड पे कितने लोग हैं जिनके पास ये अडॉप्शन है। अगर आप वॉलेट्स भी देख लें तो एक्टिव वॉलेट्स जो हैं वो भी इतने नहीं हैं कि आप यू नो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पास एक्चुअली कैश है और वो कैश इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो एक्चुअली अडॉप्शन जो डिजिटल पेमेंट्स का है वो डिमांड की तरफ से भी आता है, फिर ऑब्वियसली सप्लाई की तरफ, जैसे आपने कहा कि ये पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं और ज़रूरी है कि ऑनलाइन कंपनीज हमारी तरह इंटीग्रेट करें। इसलिए ये है कि जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, हमारे पास तकरीबन 25,000 सेलर्स हैं दराज पे जो बेचते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है जब ऑनलाइन पेमेंट्स हो, इसलिए डिलीवरीज पे ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। और फिर देखें ना, ये आप जैसी सर्विसेज दूसरी सर्विसेज डिसेबल हो जाती हैं, ऑर्डर्स नहीं ले सकते, मतलब जो एक्सपीरियंस करना चाहे उसको भी कोई इतना मज़े का एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो दोबारा आना चाहे। यही वजह है कि आप ये देखें ना कि सारे सुपर स्टोर्स पे सैकड़ों लोग कराची जैसे शहर में जो है, हज़ारों लोग जो हैं वो रोज़ाना जा रहे होते हैं, अदरवाइज़ तो ये सारी चीज़ें अगर आसानी से मिलती हो तो कौन जाके इस मुसीबत में फंसेगा। जी आई थिंक देखें आप ऑब्वियसली आपको ये भी कंसिडरेशन में रखना है कि काफ़ी टाइम एसेंशियल डिलीवरी भी अलाउड नहीं थी कराची में, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, और इनफैक्ट हम यही पुश कर रहे हैं कि आप हमें डिलीवर करने दें ग्रोसरीज, दूसरी जो कंपनीज़ हैं ऑनलाइन कंपनीज इन्हें ग्रोसरी डिलीवरी करने दें, तो फिर एक्चुअली लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और इनफैक्ट हम लोग जो ये जो पेंडेमिक है ये और भी कंट्रोल कर सकेंगे अगर ऑनलाइन कंपनीज़ को हम कोशिश करें कि प्रमोट हों। बहुत शुक्रिया जनाब एहसन साया, मैनेजिंग डायरेक्टर दराज हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत, अल्लाह हाफिज़ नासिर। हाय, इट्स सैयदा शनाज़ हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग दुनिया न्यूज़। फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। कीप वाचिंग दुनिया न्यूज़।